अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल। आज हम आपको ये अंबाड़े की भाजी, चने की दाल और टमाटे की रेसिपी बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही लजीज रहती है, बहुत ही टेस्टी रहती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने बनाया होगा पहले ये कुछ, लेकिन डिफरेंट मेथड से हम आपको बता रहे हैं, तो मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। पहले हम चने की दाल को कुकर में उबाल लेते हैं। अच्छी फरेरी उबाल लीजिए, ज़्यादा नरम मत कीजिए। और ये अंबाड़े की भाजी की लीव्स अच्छे से तोड़कर इसको हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह रहती है, तो इसको दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लीजिए इसके लीव्स को, ताकि इसमें की सारी गर्द धूल सब निकल जाए। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे, झाड़ों के भी हैं। चलिए, ये कुकर में दाल उबल गई है। अभी ये जो इंग्रेडिएंट्स है पकाने के लिए, हम आपको बताते हैं। प्याज काट लीजिए आप, हरी मिर्ची और लहसुन और ये चार टमाटे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप रेडी रख लीजिए पकाने के लिए। आज हम अंबाड़े की भाजी और चने की दाल का सालन पका रहे हैं। ये देखिए, हम कुकर में पहले अंबाड़े की भाजी को गला लेंगे। अब हम इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटे ऐड कर लेंगे। बोलो जी। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें तेल ऐड कर लेंगे। अब ये बची हुई भाजी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चने की दाल को हमने उबाल के रखा है, इसे साइड में रख लेंगे, हम बाद में इसे ऐड करेंगे। अब हम कुकर को बंद कर लेंगे 10 मिनट के लिए। कुकर को स्टोव पे चढ़ा दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। देखिए, भाजी इसमें गल गई है, इसका कलर देख सकते हैं आप। इसको हम अच्छे से घोट लेंगे। टमाटे, भाजी सब गल गई है, हरी मिर्ची वगैरह। अब हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी डाल के इसे ग्राइंड कर ले सकते हैं। ये देखिए, भाजी को हमने अच्छे से घोट लिया है, सॉफ्ट हो गई है ये। अब ये भाजी में हम ये जो हमने दाल उबाली थी, चने की दाल, ये इसमें ऐड कर लेंगे। ये बघार के लिए हमने सारी चीज़ें रेडी रखी है। ये देखिए, सूखी लाल मिर्च, राई, लहसुन, ज़ीरा, कलौंजी, ये सारी चीज़ें आप भी रेडी रख लीजिए। ये इसमें हमने जो दाल उबाली थी, ये इसमें ऐड कर लेंगे अभी। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये येलो पे ग्रीन। के लिए, बघार के लिए अभी हमने पैन रखा है स्टोव पे, इसमें ऑयल ऐड कीजिए। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये राई ऐड कर लेंगे हम इसमें। अब इसमें हम लहसुन ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर लेंगे। ये सूखी हुई लाल मिर्च, आधी कट करके डालिए, तो इसमें से दाने निकलेंगे अंदर से।
बघार को मीडियम फ्लेम पे बघा लिया, नहीं तो ये जल जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी सौंधी सौंधी तेज से खुशबू आ रही है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अब लास्ट में हम इसमें हम जीरा और कलौंजी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीरा जल्दी हो जाता है इसलिए हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। कितना अच्छा कलर नज़र आ रहा है आप देख सकते हो, बहुत ही टेस्टी रहता है ये, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसको आप रोटी से खा सकते हो या फिर सालन, इसको आप राइस से खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी रहता है और कभी भी पका के खा सकते हो, आप नाश्ता दोपहर या रात में, और ये बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हो आप इसे गर्म करके। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको भी ये इतनी टेस्टी रेसिपी टेस्ट करने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।